बसमिल्लाक वरहुल्ल वकू प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं उम्मीद है जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है वो आपको समझ में भी आ रहा होगा बस दुआ है कि अल्लाह सबाना ताली आपके अमल में और उमल में बरक़त आमीन जी तो आज की हम हदीस वो भी बहुत प्यारी हदीस है सबसे पहले अरबिक में हम जानेंगे फिर उर्दू में और उसके बाद जो उससे करने वाले काम हैं फिर वो बताएंगे इन ठीक है पहले अरबिक में है लई मलम यरहम श़ी वलम يعرف शरफ كبيرنا इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं जिसने हमारे छोटों पर शफकत ना की और हमारे बड़ों की इज्जत और शर्फ को ना पहचाना देखिए प्यारे बच्चों हदीस में भी ये है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत इतफ़ाक़ और अखलाक़ के साथ पेश आओ छोटे बड़े की तमीज़ ये करते हुए कि छोटे से मोहब्बत की जाए और बड़ों की इज़्ज़त की जाए ये नहीं सोचा जाए कि भाई ये छोटे हैं तो हम इनसे क्यों मोहब्बत प्यार से बात करें भाई ये तो हमसे छोटे हैं या बड़े अगर हमसे डांटते बहुत हैं तो हम उनका कहना ना माने नहीं हदीस में भी यही आ रहा है कि छोटों के साथ अपने मोहब्बत से मिलना है और बड़ों की इज्जत का ख्याल रखना है और जो बच्चा या बड़ा इस हदीस पर अमल हाँ, नहीं करता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं अल्लाह अकबर हमें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखना है ना उनकी हदीसों पर उनकी तालीमात पर अमल करना है तभी तो हमें जन्नत मिलेगी इन राइट तो आज से अपने छोटों पर आपने मोहब्बत प्यार से पेश आना है उनके साथ ताकि वो भी आपसे अच्छी चीज़ें सीखें और बड़ों की इज्जत का ख़्याल रखना है ताकि वो आपको दुआएं दें राइट अच्छा ये वाली हदीस तो बहुत प्यारी है और मैं समझती हूँ ये अल्फाज ये कलिमात सारे बच्चों को ज़बान याद होने चाहिए क्योंकि इसके दर्जात बहुत हैं और इसकी अहमियत बहुत है तो आइए जानते हैं वो क़लिमात कौन से हैं जी वो क्लिम ये हैं माँ क़ल सुबह वबि और दहीसत लहू नख़्लत फिलजन्न इसकी ट्रांसलेशन है जिसने ये कलिमात अपनी ज़बान से अदा किए जो कि हैं सुबह नौ लाआवीम वमदही ही इसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है सुबह नौ तो प्यारे बच्चों उठते बैठते सोते जागते आपने बस यही पढ़ना है सुबह नव लाआवीम व भी हम दी ही ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है बहुत आराम से याद हो जाएगा जिसने सौ मरतबा पढ़ा अल्लाह सुफ़ी वाली उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है और उस दरख्त के ऊपर फल होंगे वो दरख्त आम दरख की तरह नहीं होगा जैसे हमने दुनिया में देखा है वो दरख्त आपको खैर देगा आपके लिए सुकून का बायस होगा जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं और उस दरख्त में हो सकता है बहुत सारे फल हों या हो सकता है उस दरख्त में बहुत सारे सोना चांदी हो ये तोलम अल्लाह ही जानता है लेकिन जन्नत का दरख्त आप ख़ुद इमेजिन करें कि कितना ख़ूबसूरत होगा और उसमें क्या कुछ होगा आपके लिए क्योंकि अल्लाह सबान फरमा रहे ना कि मेरी वादानियत बयान करो मेरी बड़ाई मेरी तारीफ़ करो जिसने मेरी तारीफ़ की क्योंकि ये कलिमात जो है ना अल्लाह सुबह ताल को बहुत पसंद है बहुत महबूब है तो जो जन्नत का दरख्त होगा ना उसमें भी हमारे लिए बहुत कुछ होगा खैर ही खैर होगी तो ये क़लेमात को सुबह शाम पढ़ें, इन आपको आपको जन्नतफरदौस मिलेगी इन